हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और आसान सी इंस्टेंट रेसिपी, ऑरेंज चुस्की या ऑरेंज पॉप्सिकल, जो बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने लिया ये एक टैंक का पाउच, कुछ पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा शक्कर। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फ्लेवर का पाउच लिया है, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कप मतलब आधा लीटर पानी लिया है। अगर हम इसका जूस बनाएंगे तो हमें 1 लीटर पानी डालना होता है, बट यहाँ पे हम लोग चुस्की बना रहे हैं इसलिए मैंने आधा लीटर पानी मीन्स 2 कप पानी लिया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप शक्कर। शक्कर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालने से इसमें एकदम फ्रेश मिंटी फ्लेवर आता है और टेस्ट अच्छा लगता है। अभी मैंने पुदीने के पत्ते डाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए और पाउडर भी। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे लिए कुल्फी का ये मोल्ड, आप जिसमें चाहे उसमें इसको सेट कर सकते हो। मैंने इस तरीके से मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके जूस डाला है। उसके बाद मैं कुछ को डिस्पोजल ग्लास में डाल रही हूँ इस तरीके के। आप इस तरीके के डिस्पोजल ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, कप भी, जो आपके पास अवेलेबल है वो। उसके बाद इसको हम लोग सिल्वर फॉइल से इस तरीके से कवर करेंगे। कवर करने के बाद नाइफ से हल्का कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद इसमें मैं डालूँगी आइसक्रीम स्टिक्स। स्टिक्स डाल के इसे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए या तब तक रखेंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं होता है। अब सेम इसी तरीके से मैं ग्लास को भी कवर करूँगी, उसमें भी स्टिक्स डालूँगी। यहाँ पे आप जाओ तो फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इंस्टेंट रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैंने टैंग का यूज़ किया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ फ्रीज़र में। अब नेक्स्ट डे मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसे 2-3 सेकेंड ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद इसको मोल्ड में से निकालेंगे। आप देख सकते हैं ग्लास में भी ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हुआ है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, यम्मी लग रहा है। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी ब्यूटीफुल ऑरेंज पॉप्सिकल ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।